सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस शुरू से समाजवादी पार्टी पर 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव बना रही थी, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हरियाणा के परिणाम आते ही एक तरफा 6 सीटों पर नाम तय करके अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस की डिमांड 3 सीटों तक आ गई है। अखिलेश ने 2 सीटों का ऑफर दिया है और वो भी वह सीटें जो बहुत मुश्किल है। एक तरफ कांग्रेस अपनी डिमांड घटाती गई और दूसरी तरफ सपा ने एक के बाद एक करके 6 के बाद 7 और फिर सभी 9 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सपा मुखिया ने दावा किया है कि इंडिया ब्लॉक उनकी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर ही चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस ने भी यह कह दिया है कि सब सहमति से हुआ है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा और कांग्रेस की ओर से गठबंधन को लेकर जो दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन आम तौर पर यही महसूस किया जा रहा है कि हरियाणा की हार से निराश कांग्रेस नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया है कि ना तो उनके पास उत्तर प्रदेश में इतनी राजनीतिक हैसियत बची है कि वह समाजवादी पार्टी पर दबाव बना सके, और ना ही उनके संगठन में इतनी ताकत है कि वह अपने दम पर चुनाव मैदान में उतर सके। औपचारिक तौर पर कांग्रेस का यही दावा है कि उसने चुनाव मैदान से पीछे हटने का फैसला इसीलिए किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट बैंक ना बटे और संविधान की रक्षा की जाए। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं कि सपा की ओर से उनको दी जा रही सीटों पर लड़ने का मतलब क्या होने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने माना कि अखिलेश ने जिन 2 सीटों पर उसे प्रस्ताव दिया है उस पर 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था, तब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी। उनके मुताबिक खैर में हमें 1500 वोट मिले थे और गाजियाबाद में 1100 वोट मिले थे, लेकिन सपा के समर्थन में हमारे आंकड़े निश्चित तौर पर 60,000 को पार कर सकते थे और कार्यकर्ताओं में कम से कम यह संदेश जाता कि लड़ाई में हम भी हैं। दरअसल सपा ने हरियाणा में भी कांग्रेस के सामने अपने लिए सीटों का प्रस्ताव रखा था और वह महाराष्ट्र के लिए भी ऐसा ही कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस ने हरियाणा में उससे मुंह फेर लिया तो फिर अखिलेश ने अपने तेवर दिखाकर कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में उसकी जगह दिखाने का संदेश दे दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि पार्टी आलाकमान किसी भी सूरत में एक और हार का जोखिम नहीं लेना चाहती है, ना ही वह गठबंधन तोड़ने का आरोप झेलने की स्थिति में है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पार्टी के सामने खड़े हुए संकट पर स्थिति बहुत ही सीधे तरीके से साफ की है। उन्होंने कहा 2027 के विधानसभा चुनावों तक ना तो कांग्रेस और ना ही सपा गठबंधन तोड़ने वाली स्थिति झेल सकती है, क्योंकि जो भी पार्टी गठबंधन तोड़ने के लिए जिम्मेदार दिखेगी उसे अल्पसंख्यक वोटों का नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन इससे लगता है कि केंद्र नेतृत्व ने प्रदेश इकाई को उसके भाग्य पर छोड़ दिया है। हमें मजबूती से लड़ना चाहिए था, चाहे 2 ही सीटें मिल रही थी। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें से 2022 के असेंबली इलेक्शन में 4 सीटें सीसामऊ, कटेहरी, कुंदर की और करहल में सपा जीती थी। खैर गाजियाबाद और फूलपुर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और मझवान में निषाद पार्टी और मीरापुर में राष्ट्रीय लोक दल सफल रहे थे। अब ये दोनों ही दल भाजपा के सहयोगी हैं।